मनीष कश्यप क्या किसी पार्टी का है? वो इतना कॉन्फिडेंट क्यों है? किसका सह तो मिला हुआ है बिहार का उसको? जनता का सपोर्ट है ना सर, इतने सारे लोग फॉलो कर, इतने सारे लोग चाहने वाले हैं। चलती हुई सरकार को गिराने की साजिश है, और इस साजिश में जो है मनीष कश्यप कहीं ना कहीं एक कठपुतली है बीजेपी का, और कुछ नहीं है। तो ऐसा आशंका हो रही है कि विगत एक आध महीनों में सरकार गिराने की कोशिश बीजेपी की है। सर अब हम बात नहीं करेंगे, आप पूरी के पूरी आप बीजेपी पे जा रहे हैं, ठीक है, इस पे हम मुद्दा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा सवाल था मनीष कश्यप और तेजस्वी यादव को मनीष लेकर के, कश्यप और बीजेपी से मेरा का कोई जो सवाल मुद्दा नहीं। है वो गलत नहीं है, लेकिन गलत मुद्दे को उठाना और स्टेट का जो है शांति भंग करना एक जुल्म है। कि मनीष कश्यप सही है, लेकिन जो जिस तरीके से आप बात कर रहा है कि एम सरकार गिरा देंगे, क्या पत्रकार का काम सरकार गिराना है? आप बताइए नहीं, हमको। पत्रकार का काम ये नहीं कि सरकार गिरा दे, इससे भी हम चिल्ला आप चिल्ला के बोला 180 दिन में हम गिरफ्तार हुए, मतलब ये अगर तो आप गिरफ्तार धमकी दे हुए रहे तो हैं, जेल से निकलते ही 180 धमकी दे दिन के रहे हैं अंदर आप सरकार गिरा सरकार दे। को। चलती हुई सरकार को गिराना भी एक साजिश है, और वो भी एक तरह का गुनाह है। ये तो तो क्या बीजेपी करती है, बीजेपी करती है, कौन करता है, ये तो बात की बात है। पार्टी है, कोई भी किसी को गिरा सकती है, क्योंकि कुर्सी का लोभ हर किसी को होता है। लेकिन मनीष कश्यप को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बीजेपी बोल सकती है क्योंकि वो पार्टी है। अच्छा सर, ऐसा आप काम है ये बता बोलना। दीजिए ना, बिहारी मजदूर को जिस जिस बात से ये इतना बड़ा मुद्दा बना, क्या बिहारी मजदूर को नहीं पीटा गया था क्या? अब ये तो जांच का विषय है, और जो गया था जांच के लिए, जो जांच के लिए गया था एजेंसी, उन्होंने एजेंसी ने रिपोर्ट जो दिया नीतीश कुमार को, उसमें शायद ऐसा कहा गया है, ये भी जांच के विषय है, इसमें ऐसा कहा गया है कि वहाँ पे ऐसा कोई भी घटना नहीं हुआ है। और मेरी खुद के मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वहाँ का डीजीपी ऑफिस, मैंने कॉल लगा के बात किया है कि ऐसा घटना हुआ है क्या। उन्होंने साफ साफ, वहाँ का डीजीपी ऑफिस का रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मोबाइल में आपको दे सकता हूँ, उन्होंने साफ साफ बोला है कि मैं डीजीपी ऑफिस से बोल रहा हूँ और ऐसा कुछ भी घटना नहीं हुआ है। तो सर ये बता दीजिए ना, तो जब डीजीपी साहब बोल रहे नहीं हुआ है, वहाँ का नेता बोल रहे नहीं हुआ है, एक मिनट, मनीष कश्यप क्यों चिल्ला चिल्ला के वहाँ से गला फाड़ के, कहीं ना कहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो है अपना सीबीआई ईडी से परेशान कर रही है तेजस्वी यादव को, और पब्लिक प्लेटफॉर्म से भी इसको गिराने के लिए एक साजिश किया गया है, उसके कठपुतली है मनीष कश्यप। अब हम भी तो सवाल कर सकते हैं, बार बार आप तेजस्वी यादव के फेवर में बोल रहे हैं, हम फेवर में नहीं बोल रहे हैं, हम भी तो सवाल कर सकते हैं, फेवर में नहीं बोल रहे हैं, जो सच्चाई है मैं सच्चाई आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है सर, आप ये भी बता दीजिए, तेजस्वी यादव ना मेरा भाई लगता है ना मेरा कोई रिश्तेदार है वो। आप चलिए, हम बहुत आपकी हर बात से हम सहमत है, तो मनीष कश्यप पे ही FIR क्यों? बहुत सारे अखबार ने चलाया, बड़े से न्यूज़ सब पे चैनल होनी ने चाहिए, चलाया, सब पे होनी चाहिए, लेकिन इसका जवाब जो है, इसका जवाब जो डीजीपी साहब देंगे ना, इसका जवाब डीजीपी साहब देंगे, डीजीपी साहब का मालिक है नीतीश कुमार। FIR, अब चलिए हम उस पर बात हटाते हैं, एक FIR चलिए सही था कि आपने शांत माहौल FIR करके माहौल को शांत कर दिया, अब इस तरह का भड़काव कंटेंट अब नहीं आ रहा है, किसी को भी नहीं चलाना चाहिए। तो जो अपने स्टेट की जो शांति है, स्टेट का जो भाईचारा है, उसपे किसी किसी भी रिपोर्टर का ऐसा हक नहीं है। मेरा भी बात सुन लीजिए, मेरा ही बात सुन लीजिए, एक FIR सही था, फिर से दोबारा कल एक FIR क्यों कर दिया गया? तो उसके लिए तेजस्वी यादव क्यों जिम्मेवार है? इतने FIR आपको हो रहा है, आप देखिए ना, थाना में पहुंचेंगे, जहां पहुंचेंगे, क्या FIR की कमी है? बिहार सारे FIR के आपको लगता है पुलिस ट्वीट करके तो इस बिहार बात पुलिस जवाब देगी इस पे ना? FIR किया, उसे बिहार पुलिस जवाब देगी, तेजस्वी यादव के पीछे क्यों पड़े हैं आप लोग? सर ये तो उन लोगों का आपसी मामला है, इस पे हम भी नहीं कह सकते ना, आप कह सकते हैं। तो बार बार चिल्ला के ये नीतीश कुमार का नाम क्यों नहीं ले रहा है? आपका नाम ले रहा है ना, मनीष कश्यप क्या नाम ले रहा है? नीतीश कुमार का भी नाम ले रहा है, बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री है वो। हाँ बताइए, ये तो वही बात ना हो गया, मुझे तो ऐसा आशंका हो रही है कि विगत एक आध महीनों में सरकार गिराने की कोशिश बीजेपी की है, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी जो है बैक फुट पे जाके फिर से भाजपा के साथ मिला के 2024 की तैयारी लगने वाले हैं। यहाँ पर और जो इनको एक मुद्दा को भड़काया जा रहा है, देखिए इस जो बात चल रहा है, क्योंकि इस जो आप पॉलिटिक्स पे लेकर चल जा रहे हैं, यहाँ पे बिहारी के लिए आवाज उठाया गया, ठीक है, बिहारी मजदूरों के लिए मनीष कश्यप आवाज उठाया, और आप उसको राजनीतिक में लेकर चले गए। उठाए आवाज बहुत जायज है और बहुत सही भी है, ट्वीट, लेकिन क्या बिहारी मजदूर जो है तेजस्वी यादव के आने के बाद ही बिहारी मजदूर बने हैं? क्या वो मजदूर पिछले दो तीन सालों से है? सरकार नहीं, में है तो उसके पहले तो उसके है ना? पहले अच्छा, कोरोना आपको याद होगा ना, कोरोना आपको याद होगा, याद है हमें। पीएम फंड में बहुत पैसे आए, ये आपके जो प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा था कि जो काला धन जो वापसी करेंगे उसमें इतना पैसा आएगा कि सबको हम 15-15 लाख दे सकते हैं। क्या वो 15 लाख आए आपके अकाउंट में? आए आपके अकाउंट में? किसी के अकाउंट में नहीं आया। तो फिर उनसे सवाल क्यों नहीं करते हैं कि बिहारी मजदूर का कब दिन फिरेगा,
कब दिन फिरेगा? तो बात वही है ना सर, जहाँ अभी मंदिर बना रहे हैं, मंदिर बनाने में व्यस्त हैं, आदमी को अभी अस्पताल चाहिए, स्कूल चाहिए। अब हम बात नहीं करेंगे, आप पूरी के पूरी आप बीजेपी पे जा रहे हैं, ठीक है, इस पे हम मुद्दा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा सवाल था मनीष कश्यप और तेजस्वी यादव को लेकर, और बीजेपी से मेरा कोई मुद्दा है वो गलत नहीं है, लेकिन गलत मुद्दे को उठाना और स्टेट का जो है शांति भंग करना एक जुल्म है जो नहीं करना चाहिए। आपसी भाईचारा तमिलनाडु का, और जो दोनों स्टेट है, दोनों का जो आपसी भाईचारा है, डीजीपी साहब जो तमिलनाडु के हैं, उनके ऑफिस के जो है लोग हैं, उनसे वार्ता में ऐसा बोला गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है तमिलनाडु में, तो मनीष कश्यप वहां चिल्ला चिल्ला के क्यों दिखा।